चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और जनता जनार्दन का फैसला ही तय करेगा कि किसके सिर पर जीत का सहरा बंधेगा। 25 नवंबर 2023 को राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। बात करें पार्टियों की तो सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की जीत को निश्चित बता रही है, लेकिन जीत किसकी होगी और किसकी हार होगी ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा, जहां पार्टियों के दावे फेल भी हो सकते हैं और नहीं। एक तरफ बीजेपी की बात की जाए तो वो सत्ता में आने के लिए राजस्थान में जगह जगह रैलियां और रोड शो के माध्यम से प्रचार करने में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, जिसके लिए राजस्थान में बीजेपी की जीत के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ सभाओं को संबोधित करते हुए बीजेपी के प्रत्याशियों का समर्थन कर रहे हैं। अगर वहीं कांग्रेस की बात करें तो सत्ता में होने के बावजूद भी अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए उन्हें जबरदस्त जोर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि एक नारा कांग्रेस की जनता की खाल उधेड़ रहा है जो राजस्थान की जनता लगा रही है, गहलोत तेर से बैर नहीं, मंत्रियों तुम्हारी खैर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लगातार प्रचार के बावजूद भी बीजेपी के तीन नेताओं की सीट दांव पर लगी हुई है, जो फिलहाल लोकसभा सांसद भी है। पहली विद्याधरनगर सीट से खड़ी हुई दिया कुमारी, जो मुख्यमंत्री पद की बड़ी दावेदार बताई जा रही है, जिनके सामने कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल की चुनौती है, क्योंकि इस बार सीताराम अग्रवाल के सामने कांग्रेस में इस बार विक्रम सिंह जैसा बागी नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते पिछले बार के बागीपन का फायदा उठाते हुए बीजेपी के नरपत सिंह राजवी ने यहां से जीत दर्ज की। बीजेपी की ए श्रेणी की ब्राह्मण, वैश्य और राजपूत बाहुल सीट पर कांग्रेस के सीताराम दिया कुमारी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इसी बीच बात करें कांग्रेस की तो 3 साल पहले अपनी पार्टी से ही संघर्ष करते नजर आ रहे थे सचिन पायलट, लेकिन 2023 के होने वाले चुनाव में भी वो अपनी पारंपरिक सीट से ही चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पायलट को युवाओं का भरपूर साथ मिल रहा है, पायलट की जीत के लिए उनके समर्थक आश्वस्त है। इस वक्त टॉक में सचिन ऑटो पायलट मोड पर है, अब वापस लौटते हैं बीजेपी की तरफ। बात करें झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की तो बीजेपी से सांसद रहे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को अपनी जीत के लिए यहां जोर आजमाइश करते हुए देखा जा रहा है। उनको विपक्षी पार्टी से ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवार आशु सिंह सुरपुरा से ज्यादा नुकसान यहां होता हुआ नजर आ रहा है। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेसी उम्मीदवार अभिषेक चौधरी है। चुनाव से पहले तक आसान लगने वाली ये सभी सीटें अब भाजपा के लिए चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। अब बात करें बीजेपी के तीसरे सांसद किरोड़ीलाल मीणा की तो कांग्रेस सरकार ने उनको हराने के लिए सियासी कुंज भरी है। यहाँ बागी आशा मीणा भी मैदान में है। आशा मीणा ने यहाँ अपनी चुंदड़ी फैला दी है, कहा है ओढ़ लो या जला दो। ये इमोशनल ट्रम्प कार्ड आशा मीणा को मजबूत बना रहा है, लेकिन यहाँ भी कांटे की टक्कर होगी। इस पूरे चुनावी समीकरण को देखा जाए और बात की जाए तो 25 नवंबर 2023 को राजस्थान में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 3 सांसदों की सीट दांव पर लगी है, जो कि काफी जोर आजमाइश करते हुए दिखे जा रहे हैं। यहां बात बीजेपी के 3 सांसदों की ही नहीं, कांग्रेस पार्टी भी अपने ही मंत्रियों के चलते कड़ी चुनौती का सामना कर रही है। कांग्रेस में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 मंत्री कांग्रेस की साख दांव पर लगाए बैठे हैं, जिनमें से 2 बुरी तरह से फंसे हैं, वो है दौसा में मुरारी लाल मीणा और लालसोट में प्रसादी लाल मीणा। वहीं 2 मंत्री जीतते नजर आ रहे हैं, लेकिन चुनौती इनके लिए भी बड़ी है, वो है जयपुर से प्रताप सिंह खाचरियावास और राजेंद्र यादव, और जबकि ममता भूपेश को अपने क्षेत्र में जबरदस्त विरोध झेलना पड़ रहा है। अब इस पूरे चुनावी समीकरण का पता 3 दिसंबर को आने वाले नतीजों के बाद ही चल पाएगा कि किस नेता की साख दांव पर लगी है और किसकी नहीं। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।